वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो आज हम आए हैं फैमिली के साथ अयोध्या घूमने के लिए। ठीक, सो आज हम अयोध्या पहुँचे हैं। दरभंगा से चले थे सरयू यमुना एक्सप्रेस से और आज अयोध्या पहुँचे। ये रहा देखिए अयोध्या स्टेशन। रात 10 बजे हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे। सो अभी खाना वाना खाएँ और होटल में अभी जाएंगे रहेंगे और कल आपको दिखाएंगे अयोध्या धाम का पूरा ब्लॉग। ठीक है गाइस, सो कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग क्या कहते हैं अयोध्या घूमेंगे पूरा। तो अभी होटल से भी निकले हैं, तैयार होके हैं। तो अभी मम्मी पापा तैयार हो रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो मैं अभी थोड़ा बाहर घूमने के लिए आया था। ये देखिए यहाँ बाहर का सीन। ये मेन रोड है, यहाँ से 2 किलोमीटर है श्री राम जन्मभूमि। और ये यहाँ का सीन है देखिए। ठीक है गाइस, तो आप जब घूमने निकलेंगे तब वहाँ से आपको ब्लॉग दिखाएंगे। राम की गेड़ी में पहुंचे हुए हैं, कैब से आए हुए थे राम की गेड़ी में। यहाँ सरयू की यमुना देखिए पूरा। मेरे पापा, ये मम्मी और भैया देखिए। सबसे पहले अयोध्या जाने के लिए हम लोग को राम के इसमें आना पड़ता है, उसके बाद हनुमान गेड़ी, उसके बाद अयोध्या धाम। देखिए आगे, इसमें से घुस के जाना पड़ता है। ये देखिए हनुमान गेड़ी, हनुमान गढ़ी। अब हम इसके अंदर जाएंगे, उसके बाद आपको अंदर का दर्शन करवाएंगे। अब ये हम लोग प्रसाद ले लिए हैं और ये ऊपर जा रहे हैं। देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे। जय श्री राम। काफ़ी भीड़ है हनुमान गेड़ी में, 12 बजे तक बंद हो जाता है, इसलिए 12 बजे से पहले आए हैं।
प्रसाद चढ़ा लिया है। तो गाइस बहुत भीड़ है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी प्रसाद सब चढ़ा लिया करिए। यहाँ का दर्शन हुआ हमारा पूरा, और इसके बाद आप जाएंगे अयोध्या धाम। और ये आगे है एग्जिट गेट, यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग जाएंगे अयोध्या धाम। कनक भवन लेकिन ये अभी बंद है, ये 2-3 घंटे बाद खुलेगा, शायद 3 के 4 बजे खुलेगा। अंदर में तो मस्त फोटो है इसका, बाहर से अभी देख लीजिए, अगर इसके अंदर गए तो अंदर दिखाएंगे, फिलहाल अभी बंद है। तो सो अभी हम लोग जाएंगे रेस्ट करने के लिए, जिसके बाद जाएंगे अयोध्या धाम, उसके बाद कनक भवन, उसके बाद जाएंगे सरजू की यमुना के पास। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं। हम जा रहे हैं राम मंदिर के अंदर, सो थोड़ा दूर तक वीडियो बना सकते हैं, उसके बाद मोबाइल जमा हो जाएगा, तो वहाँ तक का सीन आपको दिखा देते हैं। ब्लॉग नहीं बना सकते हैं ना, फोटो ले सकते हैं, सब कुछ जमा करना पड़ता है। तो अभी हम लोग दर्शन कर लिए हैं, देखिए बाहर में आए हुए हैं, बस बाहर का सीन घूम रहे हैं। देख अंदर में फोटो अभी ले नहीं सकते हैं, शायद उसका कोई पास वास बनता है इसलिए। कनक भवन में 4 बजे खुलने का टाइमिंग था, सो अब भी आए हैं। देखिए ये है कनक भवन और ये था अंदर का पूरा सीन, सो हम दिखा दिए पूरा सिनेमैटिक शॉट के लिए। जा रहे हैं लता मंगेशकर चौक की तरफ और नया घाटी उतरी है, तो वहाँ का दिखाएंगे। दिन में भी गए थे बट दिखा नहीं पाए, इसलिए अभी जा रहे हैं। देखिए ये है आपका अयोध्या वाला रोड है, यहाँ से सीधे चल जाइएगा तो अयोध्या जन्मभूमि है और हनुमान गेड़ी का रोड यही है। और ये देखिए ये सीधे अभी हम जा रहे हैं लता मंगेशकर चौक की तरफ। काफी अच्छा बाजार है, चलिए तब वहाँ आपको दिखाते हैं लता मंगेशकर चौक। अभी हम आ गए लता मंगेशकर चौक पे, तो वहाँ से आए थे ऐसे करके इधर आए हैं। और ये देखिए यहाँ का मस्त व्यू, इसके बगल में घाट है और ये सीधे रोड है जो चलने वाला।
और ये जो हाईवे गया ना सीधे, ये जाता लखनऊ की तरफ। देखिए क्या मस्त व्यू है, नज़ारा ही मस्त है। गाइस अभी हम जा रहे हैं लता मंगेशकर चौक की तरफ, वहाँ का सीन दिखाएंगे अब आपको, यहाँ का दिखा दिए, ये लखनऊ वाला रोड है। और ये देखिए पेड़ पे क्या मस्त व्यू बनाया गया है, मतलब चलिए तो फिर वहाँ दिखाते हैं आपको, यहाँ का एक वीडियो बना देते हैं। लता मंगेशकर चौक, यहाँ का ये चीज़ फेमस है, देखिए क्या मस्त गिटार है, ये लता मंगेशकर जी का था शायद से, ना पता नहीं है। अभी हम लोग वहाँ से आए हैं, देखिए कितना मस्त नज़ारा है, यहाँ सब नहा रहे हैं। यहाँ हम दिन में भी आए थे तो दिन में भी आए, और एक बार शाम में आए, शाम में मस्त लगता है यहाँ पे, देखिए कैसे मस्ती में सब नहा रहे हैं, पूरा ठंडा ठंडा पानी रहता है। और ये यहाँ पे लाइट शो चल रहा है, देखिए पूरा घाट अभी भरा हुआ है। इंजॉयमेंट करना है तो शाम में यहाँ पर आइए, पूरा मस्त है एकदम। देखिए चारों तरफ का इन्जॉयमेंट लेना है तो ये वाला घाट तो देख ही रहे हैं, तो यहाँ से पकड़ के ये वाला रास्ते से आइए और यहाँ पे आ जाइए इस साइड, यहाँ पे पूरा गंगा आरती होता है, ठीक है क्या मस्त बनाया गया है।